तो क्या ये एक हिट का फॉर्मूला है तवायफ? अजय जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप फिल्म समीक्षा करते हैं और आप फिल्मों पर काफी पैनी नजर रखते हैं, इसलिए आप बताएं। जी जी नमस्कार। और बहुत अच्छे तरीके से शिवा ने और मुर्तजा ने सारी बातें रखी और एक पर्सपेक्टिव दिया दर्शकों को, लेकिन अफसोस दोनों ने फिल्मों पर कम बात की, फिल्म के ऊपर। हाँ, फिल्म के ऊपर वैसे शायद सेकंड राउंड में ये बात हो पाएगी। मैं अगर सिर्फ फिल्मों तक खुद को रखूं, क्योंकि मैं इतिहास और इसकी बात नहीं करूंगा, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है जो बातें की जा चुकी हैं। मैं शुरू से और लगातार ये बात कहता हूं कि हम जब समीक्षा कर रहे होते हैं तो हम अपेक्षाएं अपनी जाहिर करने लगते हैं। मेरा हमेशा कहना है कि अपेक्षाएं तो जाहिर करने की, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उसने क्या किया, और वो जो किया उसका कोई संदर्भ बनता है। अगर नहीं बनता है तो फिल्म को दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है। किसने कहा कि एक रियलिस्ट फिल्म मेकर के तौर पर संजय लीला भंसाली की फिल्म देखनी चाहिए? संजय लीला भंसाली जिस तरीके की फिल्में बनाते रहे हैं और अभी तक के जो उनकी परंपरा रही है, उसमें ऐसी ही फिल्में बनती हैं। एक कल्पना लोक होता है, उस कल्पना लोक में कुछ किरदार रचे जाते हैं, वे किरदार उनके गढ़े हुए होते हैं, उनके राइटर के गढ़े हुए होते हैं, उनमें एक इमोशनल ग्राफ होता है, एक इमोशनल आर्क होता है, एक ड्रामा होता है, छल कपट होता है, प्रपंच होता है, जो इस फिल्म के अंदर, इस सीरीज के अंदर दिखाया जा रहा है। अगर उसी को लेके हम बात करें तो मुझे यह सीरीज अपने आप में सफल दिखती है। संजय लीला भंसाली से ऐतिहासिक दिक्कत नहीं है, हाँ, तथ्यों की दिक्कत नहीं है, क्योंकि है ही नहीं उसमें। उसकी मांग करना या उसको देखने की कोशिश करना भी इसके लिए मुझे उचित नहीं लगता है। जैसे कि अब शिवा ने कहा, वो अखबार का नाम दिया, मुझे तो पाकिस्तान की एक नॉवेलिस्ट मिली, उन्होंने बताया कि मेरी किताब वहां लिखी हुई थी। अभी वो लिख रही हैं और उनकी किताब वहां लिखी हुई थी बुक रैक पे। तो ये सब गलतियां हुई है उसमें, बहुत सारी ऐसे ही तथ्यात्मक और ऐतिहासिक गलतियां हैं, लेकिन मैं वही दोहराऊंगा कि ऐसी कोई परंपरा है ही नहीं संजय लीला भंसाली की, जहां वे इन सारी चीजों पर गौर करें या अपने रिसर्च में उसका इस्तेमाल करें। रिसर्च उन्होंने जरूर किया होगा, ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी चीज बना रहे थे, नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे हैं, 8 एपिसोड में है, तो अपने हिसाब से उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च में से जो उनको रुचि लगी, जो तथ्य उनको मिले, ये तो उनके रिसर्चर से पता करना पड़ेगा कि उनको क्या क्या दिया गया था। जहां तक मुझे जानकारी है, तब कोई और डायरेक्टर इसको डायरेक्ट कर रहा था, तब उसने सजेस्ट किया था कि हीरा मंडी की शुरुआत हम लखनऊ से करें और अजीजन बाई के जिक्र से करें, विद्याधरी देवी के जिक्र से करें, और फिर हम कहानी को वहां ले जाए कि कैसे लखनऊ की तवायफें माइग्रेट करती हैं, वे लाहौर पहुंचती हैं, और फिर वहां पे जो इस पीरियड क्या यह है वो दिखाया जाए। लेकिन वो पसंद नहीं था संजय लीला भंसाली को, उन्होंने उस डायरेक्टर को हटा दिया। ये पीछे की सच्चाई है, ये पीछे का किस्सा है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि क्या तवायफ एक हिट फॉर्मूला रहा है हिंदी फिल्मों के लिए, तो ऐसा जनरलाइज नहीं करना चाहिए हम लोगों को। गिन चुन के हम किसका नाम ले रहे हैं, पाकिजा, उमराव जान, मुकद्दर का सिकंदर, बस। अगर कोई हिट फार्मूला रहा होता तो हमारे पास 2500 फिल्में होती, ऐसी फिल्में नहीं मिलती है। जो कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कुछ नाम नोट किए थे, उनमें है पाकिजा आपने लिया ही, देवदास है, साधना एक फिल्म आई थी बी आर चोपड़ा की अगर आपको याद हो तो, संघर्ष है, कलंक फिल्म आई थी पिछले दिनों माधुरी दीक्षित की, मुकद्दर का सिकंदर है, उमराव जान तो है ही, उसके अलावा मुझे जीने दो में है, घुंगरू है, तवायफ खुद तवायफ नाम से है, जीत करके एक फिल्म है, शराफत में हेमा मालिनी ने ये रोल अदा किया था, खिलौना है जिसमें मुमताज थी, रॉकी है जिसमें रीना राय थी, और मंगल पांडे में रानी मुखर्जी थी। तो ये गिन के मैं नाम खोजने पर मुझे ये मुश्किल से 20 नाम मिले।
तो इसको मैं कोई हिट फार्मूला नहीं कहूंगा, इस धारणा को निगेट कर रहा हूं कि एक कोई चीज दिख गई तो उसको हिट फार्मूला हम मान लें। ऐसा कोई हिट फार्मूला रहता है तो पिछले 30 साल में भी और कई सारी फिल्में आई होती, ऐसा कोई हिट फार्मूला नहीं है। रही बात हिंदी फिल्मों में तवायफ, तो हिंदी फिल्मों में तवायफ के प्रति हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण रहा है डायरेक्टर्स का, हमेशा कभी भी निगेटिव दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, कभी उनको उनका पूरा मामला ही, उनका पूरा संस्कार या उनका मोहल्ला या उनकी बातें वो उन तक ही महदूद रहती थी, बाहर नहीं जाती थी, उसका सामाजिक रिश्ता भी नहीं बनता था। तो हमेशा उनको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाते हुए उसकी क्या भूमिका हो सकती है वो करने की कोशिश की गई है, और कहीं ना कहीं उनको वंचित, कहीं समाज में शोषित, कहीं समाज में पीड़ित महिला के तौर पर दिखा करके एक सहानुभूति, एक करुणा भी जगाने की कोशिश की जाती रही है हिंदी फिल्मों में। तो मुझे नहीं लगता कि जब हम हीरा मंडी पर बात कर रहे हो तो उस दौर को, उस दौर पर लाहौर में क्या स्ट्रक्चर था, कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे, हीरा मंडी का अपना क्या स्ट्रक्चर था। मैंने हीरा मंडी देखी हुई है, मैं लाहौर में जब था तो मैंने हीरा मंडी देखी है, जाकर देखी है, और कहने के लिए तो वहां का जो जो मस्जिद है, शाही मस्जिद, मस्जिद भी नहीं दिखता, किला भी नहीं दिखता जो कि वहां से साफ दिखता है। तो इस तरीके के ऐतिहासिक चीजों को जब हम खोजने जाएंगे तो नहीं होगा। यहाँ फिल्म सिटी में सेट लगाया गया है, आप समझ सकते हैं कि एक मस्जिद बनाने का सेट और कितना महंगा हो सकता है। तो ये सारे लिबर्टी लेता है फिल्म मेकर, हम पता नहीं क्यों छिद्रान्वेषण करने पर लग जाते हैं कि अगर कोई चीज आई है तो ऐतिहासिक चीजों के साथ मेल खा रही है कि नहीं खा रही है। भाई साधारण फिल्में जो हिंदी में बनती हैं, कॉमन फिल्में बनती हैं, उसमें कौन से हिस्टोरिकल फैक्ट देखी जाती है कि इसमें ऐतिहासिकता की खोज नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रामाणिकता की खोज नहीं, क्योंकि कहीं से ये घोषित नहीं किया गया कि ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। अंतिम दो तक पहुंचने के लिए जो सारा ड्रामा रचा गया, वहां जब सारी तवायफें जुलूस में शामिल होती हैं, वो दृश्य पता नहीं फिर देखते हुए भी मुझे गर्म हवा के उस आखिरी दृश्य से जुड़ता हुआ दिखाई दिया, जहां पे फिल्म के बलराज सहनी फैसला करते हैं कि मुझे जुलूस में शामिल होना है, और फिर वहां जाते हैं, वो हुजूम के साथ जाते हैं। तो मुझे ये फिल्म, ये सीरीज देखते हुए भी ये सारा एहसास हुआ। आजादी का जो गाना है वो फैज साहब के पूरा पूरी जो नज्म है उसका लगता है कि अनुवाद किया गया है, उस तरीके से आया है। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं, और दर्शक जो फारुक साहब भी कह रहे हैं, हम भी मानते हैं कि आम दर्शक, देश का आम दर्शक इस तरीके से छिद्रान्वेषण करते हुए किसी सीरीज को नहीं देखता है। जो लोग देख पाते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, लिखते हैं, कमियां बताते हैं, लेकिन क्या इससे ये जो जाहिर हम कर रहे हैं उससे सचमुच में इंडस्ट्री कोई फायदा उठा पा रही है? तो देखेंगे नहीं, इंडस्ट्री तो अपनी लकीर की फकीर बनी है, वो उसी तरीके से चीजें करती रहती है। तो बेहतर होगा कि वो जो कर रही है हम उसका मुआयना करें।